तो यहां पर ध्यान से देखिए ऑप्शन चेन पर, मैं आप सब लोग को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बेहतरीन से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको WTB टाइप का दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, सपोर्ट साइड हो या रेजिस्टेंस साइड हो, अगर वीकनेस का परसेंटेज, अगर WTT WTB का क्या परसेंटेज फंस जाता है एक घंटे के लिए, जैसे हमको फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस हमको कैसा दिख रहा है, 350 पर दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, हमको 350 पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम 350 से 300 पर, क्लियरली ओके। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, पॉइंट नोट करते जाइएगा मेरी बातों को, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में किसी एक साइड को मजबूत होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होना चाहिए, किसी एक साइड को मजबूत होना चाहिए। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस हमको बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम टाइप का दिखाई दे रहा है। अब बात कैसी है कि अगर हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बेहद, और गलती से भी अगर, बात को समझिए, गलती से भी अगर जो हमको सपोर्ट दिख रहा है WTB, बात को समझिए सभी लोग ध्यान से, सपोर्ट हमको WTB दिख रहा है 350 से 300 पे, इसका जो परसेंटेज है जो कि दिख रहा है 90% दिख रहा है सभी को, बिल्कुल विजिबल है। अगर ये 90% ऐसे ही एक घंटे के लिए फंसा है, ना बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, कोई भी मेजर चेंजेस हमको इस पर नहीं दिख रहे हैं, 90, 89, 91, 92, 88, 87 है ना, हमको अगर ऐसे ही फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में सपोर्ट साइड आ जाएगा क्या, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सपोर्ट साइड आ जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मैंने आप लोगों को फिर से बताया, साइड मैटर करती है इसमें, जिस भी साइड होगा बाजार उसी साइड जाएगा। इसका मतलब क्या, सपोर्ट साइड अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो सिनेरियो तो बेरिश पहले भी है, इस चीज को समझिए सब लोग, सिनेरियो तो हमारा पहले भी बेरिश है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, टॉप से भी क्वाली तो 1.0 पहले भी बोल रही है। बट यहां पर फर्क क्या आया, चेंजेस क्या है, वो चेंजेस को पकड़िए, एक दो पॉइंट अप डाउन नहीं सर, बात को समझिए पहले। चेंजेस इसमें ऐसे क्या आ गए, जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। 1.0 क्या बोलती है ऐसे केस में, बाय डिफॉल्ट केस में सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, सपोर्ट हमारा जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, मार्केट उसके एक डायवर्जन पहले रिवर्स हो जाएगा। मतलब ऐसे केस में 350 से 300 पे हमको WTB दिख रहा है सपोर्ट, 350 से हमको 300 पे सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है सर, WTB टाइप का दिख रहा है ना, एकदम क्लियर दिख रहा है, WTB क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा मार्केट WTB-1 से रिवर्स हो जाएगा, ऐसे केस में हमारा मार्केट कैसा है, WTB-1 से रिवर्स हो जाएगा, WTB-1 से रिवर्स हो जाएगा ऐसे केस में मार्केट, सही है ना, बाय डिफॉल्ट सिनेरियो में। बट अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया, समझिएगा मेरी बात को, बट अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया, समझ रहे हैं ना सर सब लोग क्लास में, अगर गलती से भी सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया, तो ऐसे केस में, समझिए मेरी बात को, ऐसे केस में हमारा मार्केट, बात को समझिएगा, सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मार्केट उसके डाइवर्जन तक फॉल दे देगा आराम से। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट हमारा 350 से 300 तक WTB दिख रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट हमारा 300 के डाइवर्जन तक फॉल दे सकता है, वहां तक जाने के लिए उसके लिए रास्ता साफ है, कैपेबल, इट इज अ कैपेबल, समझिए बात को, हमारा मार्केट 300 के डाइवर्जन तक जाने के लिए कैसा है, कैपेबल है, रास्ता वहां तक का साफ हो जाएगा अगर सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आया तो, ठीक है सर। तो ये होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का केसेस, जो कि मैंने आप सब लोग को शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको और भी डिटेल्ड में जानना है तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कम्युनिटी, कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, है ना।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना।